नमस्कार भैया। ये जो तीन चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी, मैंने अपने भाषणों में कहा था कि ये मेन लड़ाई आज हिंदुस्तान में, एक तरफ गरीब जनता, कमजोर लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, और दूसरी तरफ 15-20 सबसे बड़े उद्योगपति। मोदी जी ने पिछले 4 साल 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए भाइयों और बहनों, आपका पैसा लेकर 15-20 लोगों के जेब में डाला। ये जो चुनाव में जीत हुई है, ये हिंदुस्तान की गरीब जनता की, किसानों की, युवाओं की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की। मोदी जी दो हिंदुस्तान बनाते हैं, एक हिंदुस्तान 15-20 लोगों का, कर्जा माफी का, प्राइवेट हवाई जहाज का, और दूसरा हिंदुस्तान गरीब जनता का, छोटे दुकानदारों का, मजदूरों का, किसानों का। हमने वायदा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ होने का काम शुरू हो जाएगा। दो स्टेट्स में, मैं खुशी से कह रहा हूं, दो स्टेट्स में 6 घंटे नहीं लगे और तीसरे स्टेट में होने वाला है। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का, किसान का कर्जा माफ नहीं किया, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाई। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे, जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था, किसानों से कहना चाहता हूं, देखिए ये देश आपका है, ये देश किसी 15 उद्योगपतियों का नहीं है, और आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप दिन भर काम करते हो, पसीना देते हो, खून देते हो, देश को भोजन देते हो, और आपकी आवाज नहीं पहुंचाई जाती। हम आपकी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमने 3 स्टेट्स में कर दिया है, और आप याद रखिए नरेंद्र मोदी जी को पर दबाव डाल के हम करवाएंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का माफ किया, उसमें से अनिल अंबानी जी हैं, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है उन पर, फिर से दोहराता हूं, 45,000 करोड़ रुपए, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबका इसमें शायद कर्जा माफ हो सकता है। एक व्यक्ति को आपने राफेल मामले में चोरी करके पैसा दिया है, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी जेपीसी होगी, पार्लियामेंट में उसके बारे में चर्चा होगी। आपने हमें कहा था कि प्यार से आप चर्चा करना चाहते हैं, तो फिर आप दौड़ क्यों रहे, भाग क्यों रहे? आप आइए राफेल के बारे में बात कीजिए, आप देश को बताइए कि आपने कर्जा माफ क्यों नहीं किया, और आप देश को बताइए कब आप करने जा रहे हैं। बस ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, आपके सवाल में तो बिहार के लोग आके नौकरी खाते हैं मध्य प्रदेश में, और वो एक पॉलिसी लाए जिसमें सिर्फ 70% स्थानीय लोग को नौकरी मिलेगी, कभी उद्योग छूट मिलेगी, ये सहमत है आप इस तरह की? नहीं, आई विल डिस्कस दिस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। शिवसेना ऐसी बात ये इस इशू के बारे में मैं, मुझे अभी बताया गया है, इसको मैं स्टडी करके आपको जवाब दे position on the riots, I have made it very clear before. That is absolutely clear. The issue here is very simple. This press conference is about the kisans of this country and the fact that Mr. Narendra Modi refuses to waive 1 rupee of their loan and is ready to give 45,000 crores to a corrupt man. और दूसरा सवाल राफेल की जेपीसी का सवाल है, इसलिए हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल जी। आपने कहा था कि मैंने आपसे बोला, अब बहुत टाइपो एरर्स निकलेंगे,
अभी तो शुरुआत ही हुई टाइपो एरर की, एक के बाद एक, एक के बाद एक टाइपो एरर निकलेंगे आप देखना। और जेपीसी के मामले में, राफेल के मामले में, किसान कर्जा माफी के मामले में, डिमोनेटाइजेशन के मामले में, सब में टाइपो एरर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली यहाँ क्या हो रही है, बेसिकली हिंदुस्तान की जनता से चोरी की जा रही है, हिंदुस्तान के किसानों से चोरी की जा रही है, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों से उनका पैसा छीन कर चोरी किया गया है। मैंने आपसे कहा है डिमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। नोटबंदी इसका लक्ष्य था कि गरीबों से पैसा छीनो और अपने मित्रों को, जय शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब के मित्रों को पैसा बांटो। उसके बाद आप स्टेट्स में जहां जहां चुनाव हुए, लगभग हर जगह, कर्नाटक की बात करें चाहे छत्तीसगढ़, हर जगह आपने वादा किया 2019 का चुनाव सामने, आप तो कह रहे हैं मोदी सरकार करवा लेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो क्या आपका ये प्रमुख वादा होगा कि आप लोकसभा के अंदर माफ करेंगे? देखिए, ये तो आप पता नहीं कैसा सवाल पूछ रहे, ये तो मतलब गारंटीड 100% है। अगर मोदी जी नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे, गारंटी। कर्नाटक में हुआ नहीं, कर्नाटक में आज तक हुआ नहीं, 2019 में कर्नाटक में हुआ है, नहीं हुआ है। अरे वीर, 8000 क्या ये 2019 में अगर इन्होंने नहीं किया तो आप करेंगे ये? मैं गारंटी करके कह रहा हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा था, मैंने छत्तीसगढ़ के किसानों को वायदा किया था, मध्य प्रदेश के किसानों से वायदा किया, राजस्थान के किसानों से वायदा किया, ठीक है, कहा था ना मैंने, क्या कहा था? 10 दिन में हो गया, कितने दिन हुए? 1 दिन हुआ, 2 स्टेट्स में हो गया, मतलब 10 गुना बेहतर परफॉर्मेंस करके मैंने दिखा दी। तो यही नेशनल लेवल पे होगा। मगर मैं मेन सवाल ये उठा रहा हूं, एक तरफ डीमोनेटाइजेशन और राफेल, दूसरी तरफ किसान का कर्जा। नरेंद्र मोदी जी के पास चॉइस थी, 4.5 साल उनके पास चॉइस थी, मैं कर्जा माफ कर सकता हूं या फिर मैं चोरी कर सकता हूं या फिर मैं डिमोनेटाइजेशन और अपने मित्रों को पैसा दे सकता हूं। और उन्होंने निर्णय लिया कि वो किसानों का कर्जा माफ नहीं करना चाहते हैं और वो चोरी करवाना चाहते हैं। अनिल अंबानी से करवाई, डिमोनेटाइजेशन में करवाई, अब हम नरेंद्र मोदी पे ऐसा दबाव डालेंगे। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हिंदुस्तान का हर किसान, एक को नहीं छोड़ने वाले हम, आप सबको लेकर हम कर्जा माफ करवाएंगे। आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और बाकी सब विपक्ष की पार्टियां पूरे देश में आपके साथ खड़ी होंगी। आप डरो मत, घबराओ मत, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, आप डरो मत, हिंदुस्तान के किसानों, आप घबराओ मत, आपका काम होने वाला है।